का चांद हो। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आफताब हो, जो कि रफी साहब से रिलेटेड है, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। बिल्कुल भी देरी नहीं कर रहा हूं और वीडियो शुरू कर रहा हूं। तो चलिए, मैं आज आपको लेकर चल रहा हूं रफी साहब और गुरुदत्त जी के जीवन का एक बेहतरीन वाक्या सुनाने के लिए। जो भी हो तुम खुदा की कसम। मेरे दोस्तों, वाक्या कुछ इस तरह से है। मोहम्मद रफी साहब ने एक मर्तबा गुरुदत्त साहब को वक्त दिया था। लाजवाब हो, एक गाना था जिसकी रिहर्सल होनी थी और रफी साहब ने कहा था कि मैं आऊंगा और इस गाने की रिहर्सल करूंगा, और अगले दिन उस गाने की रिकॉर्डिंग होनी थी। फिल्म के निर्देशक एम सादिक और संगीतकार रवि, गुरुदत्त जी, ये सभी रफी साहब का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कमरे में कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी गुरुदत्त जी को गुस्सा भी आता, कभी सोचते रफी साहब की कोई मजबूरी कोई परेशानी रही होगी, लेकिन ये सब ऐसे ही चलता रहा और ये सब लोग इंतजार करते रहे। लेकिन हुआ कुछ और, सब लोग रफी साहब का इंतजार करते रहे लेकिन रफी साहब समय पर नहीं पहुंचे, और ये बात देखकर गुरुदत्त जी को बहुत गुस्सा भी आया और उन्होंने अब इंतजार करना मुनासिब नहीं समझा और अपने भाई को रफी साहब के घर, जो कि बांद्रा में स्थित था, वहां पर भेज दिया और कहा कि जाइए और रफी साहब को अपने साथ लेकर आइए। गुरुदत्त जी के जो भाई थे वो चले गए रफी साहब को लेने के लिए, और वो रफी साहब के घर पर पहुंचे। उन्होंने कुंडी खटखटाई, मतलब घंटी बजाई, रफी साहब के घर में घंटी लगी हुई थी। उनकी बीवी बिल्किस बानो जी घर से बाहर आई और उन्होंने कहा कि रफी साहब तो घर पर नहीं है। फिर दत्त जी के भाई ने कहा, कहाँ है रफी साहब? तो उन्होंने कहा, वो तो रिकॉर्डिंग करने के लिए गए हुए हैं फिल्म सेंटर में। और इस बात को सुनने के बाद गुरुदत्त जी के जो भाई थे वो वहां से वापस आ गए और फिर रिकॉर्डिंग जहां पर हो रही थी उस स्टूडियो में गए। रिकॉर्डिंग स्टूडियो फिल्म सेंटर में था, ताड़देव वो जगह थी जहां पर वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो था। दत्त जी के भाई वहां पर पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में दाखिल हो गए तो देखा कि सामने केबिन में रफी साहब किसी और गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। रफी साहब ने दूर से ही इस तरह से हाथ से उनको इशारा किया कि आप अभी थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं गाने की रिकॉर्डिंग कंप्लीट होने के बाद बाहर आता हूं। और जब गाने की रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई तो रफी साहब बाहर आए, और बाहर आने के बाद उन्होंने दत्त साहब के भाई से माफी मांगी और कहा, मैं आपसे माफी चाहता हूं कि मैं समय पर नहीं पहुंच सका। तो दत्त साहब के भाई ने कहा, कोई बात नहीं, अब आप मेरे साथ चलिए, मैं कार लेकर आया हूं आपको लेने के लिए। तो रफी साहब ने कहा, आप ऐसा करिए, अपनी कार में बैठकर आगे आगे चलिए, मैं आपके पीछे से अपनी कार में चलता हूं। और ऐसा ही हुआ, वो अपनी कार में बैठ गए और रफी साहब अपनी कार में बैठकर चलने लगे, और दोनों कारें गुरुदत्त जी के घर के पास पहुंची और दोनों ने अपनी कारों को पार्क किया, और उसके बाद कार से उतरकर सीधे गुरुदत्त जी के घर गए। और घर के अंदर देखा तो गुरुदत्त यहां से वहां, वहां से वहां टहल रहे थे, करवटे बदल रहे थे, यूं समझ लीजिए आप गुरुदत्त। तो रफी साहब ने कहा कि मैं दत्त साहब आपसे माफी चाहता हूं कि मैं समय पर आपके गाने की रिहर्सल करने के लिए नहीं आ पाया। गुरुदत्त ने कुछ नहीं कहा, वो चुप रहे, खामोश रहे। गुरुदत्त तो चुप रहे, लेकिन फिल्म के निर्देशक एम सादिक ने रफी साहब से कहा, रफी साहब, ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारा काम आपको बहुत ज्यादा व्यस्त रखता है। इस पर रफी साहब ने मासूमियत के साथ कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हुआ यूं कि फिल्म थी ससुराल। फिल्म ससुराल एक बड़ी फिल्म है और इसका एक बेहतरीन गाना था जो मुझे इमरजेंसी में रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया गया, क्योंकि फिल्म के जो निर्माता थे वो, उनको आज ही मद्रास लौटना था, इसलिए उनकी परेशानी को समझते हुए
मुझे आपसे किया हुआ वादा तोड़ना पड़ा और मैं दूसरे गाने की रिकॉर्डिंग के लिए तारदेव में रिकॉर्डिंग स्टूडियो चला गया और वहां पर उनकी फिल्म का गाना रिकॉर्ड करवाया। इस पर संगीतकार रवि और निर्देशक एम सादिक बोले, क्या वाकई वो गाना बेहतर था? और उन्होंने रफी साहब से रिक्वेस्ट की कि रफी साहब चलिए आप हमें वो गाना सुना दीजिए। तो रफी साहब ने गाना सुनाया। गाने के बोल थे, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। इस पर सबने कहा कि वाकई गाना लाजवाब है, लेकिन फिर कहा कि हमारा गाना इससे भी ज्यादा बेहतर है। तो रफी साहब ने कहा कि अगर आप अपना बेस्ट किसी चीज को देते हैं तो हर चीज अच्छी बन जाती है। तो रफी साहब अपने हर गाने में अपना बेस्ट दिया करते थे, ये बात हम सब जानते हैं। फिर रफी साहब ने गुरुदत्त की फिल्म चौदहवीं का चांद के गाने की रिहर्सल शुरू कर दी और वो गाना था चौदहवीं का चांद हो। दूसरे दिन गाना रिकॉर्ड हुआ और उसके बाद सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर बना ये गाना अपने वक्त का। फिर रफी साहब ने माना कि हाँ वाकई में गाना बेहतर है और अपने वक्त का एक सुपर डुपर हिट गाना ये बन गया। फिल्म थी चौदहवीं का चांद। मेरे दोस्तों, ऐसे थे हमारे रफी साहब जो छोटी छोटी बातों पर किसी से भी माफी मांग लिया करते थे, इसीलिए अल्लाह ने उन्हें एक अलग मैार एक अलग कामयाबी दी थी। तो ये वाक्य आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मैं फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।